हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है किर्बी कंपनी के बारे में। जी हाँ, किर्बी कंपनी का अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, वो भी आपसे बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, इंडिया के टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है और दुबई के लिए रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि इसके पहले कुवैत का भी था किर्बी कंपनी और यहाँ के सऊदी अरब में भी ये कंपनी का रिक्वायरमेंट था। तो मैं आप लोग को ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया, बताया भी, ठीक है। बहुत से हमारे भाई लोग का सिलेक्शन भी हुआ। किर्बी कंपनी आपसे बता दूं कि बहुत अच्छी कंपनी है, गल्फ में हर जगह है, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, कहीं पे भी चली जाइए तो किर्बी कंपनी का रिक्वायरमेंट माने चलता है और किर्बी कंपनी हर जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि इसमें तो पूछने का बात नहीं है कि ये कंपनी कैसी है। समझ लीजिए इसका फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, बहुत अच्छी कंपनी है। तो अभी मैं अगेन ये तीसरा बार रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर जो लोग को जानकारी नहीं होगा तो मेरा वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा। मैं ऑलरेडी दो तीन वीडियो किर्बी कंपनी का रिक्वायरमेंट का मैं बताया हूँ, कुवैत का भी बताया हूँ, इसके पहले था, इसके बाद से सऊदी अरब में भी ये कंपनी का रिक्वायरमेंट मैं ऑलरेडी बताया हूँ। तो अभी ये जो रिक्वायरमेंट आया है फ्रेंड, अभी अगेन दुबई के लिए रिक्वायरमेंट आया है। जो कंट्री में जॉब का जरूरत होता है, बंदे का जरूरत होता है, वो कंट्री अपना रिक्वायरमेंट, वो कंट्री से वो कंपनी अपना रिक्वायरमेंट निकालती है, ठीक है ना। तो अभी दुबई के लिए फाइनल इसका क्लाइंट इंटरव्यू आ चुका है, ठीक है ना। तो फ्रेंड टीचर टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किर्बी कंपनी का क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद से इसका क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट आया है अर्जेंटली, इसमें क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए और फाइनली बात करेंगे कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ऐसे ही गल्फ से रिलेटिव, वीजा से रिलेटिव, यूरोप कंट्री से रिलेटिव आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ऐसे हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है Verma223, उस पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बता दें किर्बी कंपनी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप तो ये तो मैं बता ही दिया पहले ही कि किर्बी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि सप्लाई कंपनी नहीं है। जो दिक्कत होता है फ्रेंड गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री कहीं पर भी, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर में होता है। जो कभी कंपनी रहती है तो कंपनी में समझ लीजिए सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड है, फ्री फूड है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री मेडिकल है, यानी कि कंपनी में बहुत सी कंपनी में जो है खाना फ्री रहता है और इसके बाद से रूम का फैसिलिटी, रहना वहना सब कुछ फ्री रहता है, कंपनी का वाईफाई रहता है, कंपनी में जिम रहता है, ये सब सप्लाई में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो किर्बी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर यानी कि डायरेक्ट अपना काम लेती है, ठीक है ना। जो भी काम लेती है खुद का रहता है, समझ लीजिए, उसमें आपको सप्लाई जैसा काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो कंपनी का ही देता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी हमारे भाई या कोई भी हमारे बंदे सप्लाई कंपनी में जाए और जाकर वहाँ पर फंसे, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से बल्कि दो दिन बाद मैं वीडियो डालूंगा, तीन दिन बाद डालता हूँ, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है, यानी कि कंपनी के बारे में बताता हूँ, यानी कि जिसका सैलरी टाइम टू टाइम हो, कंपनी के खाना हो, ठीक है ना, मेडिकल प्रोवाइड करती हो और फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कंपनी का हो, उससे कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन में देता हूँ और बताता हूँ। वो भी इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है तो ही, क्योंकि मतलब कोई फर्जी ऑफिस नहीं, अच्छी कंपनी अगर फर्जी ऑफिस रहेगा तो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमारे कोई भी बंदे जाकर फंस जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो है प्रेस ब्रेक मशीन ऑपरेटर। जी हाँ, प्रेस ब्रेक मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है और इस ट्रेड का बहुत से भाई लोग कमेंट भी करते थे। इसके बाद से पंचिंग मशीन ऑपरेटर, जी हाँ, पंचिंग मशीन ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जो भाई लोग ये मशीन चलाते होंगे, ऑपरेटर होंगे, उनको जानकारी होगा। इसके बाद से क्यूसी इंस्पेक्टर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, क्यूसी इंस्पेक्टर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है किर्बी कंपनी में। हाँ, लेकिन GCC लाइसेंस चाहिए, यानी कि गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस इसमें कंपलसरी मांगा है, यानी कि फ्रेशर, यानी कि इंडिया का लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा, गल्फ का लाइसेंस कंपलसरी। ये चीज़ सबसे पॉइंट नोट करने वाला, ध्यान देने वाला है कि आप लोग इसमें गल्फ लाइसेंस मांगा है तो ही आप जाइएगा, आप इसमें गल्फ का अगर लाइसेंस हो तो, ठीक है ना, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर में। इसके बाद SAW वेल्डर चाहिए, इसके बाद FCAW वेल्डर चाहिए। जी हाँ, SAW वेल्डर और FCAW वेल्डर चाहिए। सीनियर पंचिंग इंजीनियर चाहिए। जी हाँ, सीनियर पंचिंग मशीन जो ऑपरेटर मैं बताया उसका इंजीनियर भी चाहिए, सीनियर पंचिंग इंजीनियर चाहिए। इसके बाद फ्रेंड आगे जो रिक्वायरमेंट है वो है लोडर का, और इसके बाद इंडस्ट्रियल हेल्पर का। जी हाँ, ये हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूँ इसमें इंडस्ट्रियल हेल्पर, हेल्पर के लिए गल्फ का रिटर्नर नहीं चाहिए, इंडिया का एक्सपीरियंस बना लीजिएगा। जो भाई लोग जाना चाहते हैं, ऐसे मैं सजेशन करता हूँ कि कोई हमारे भाई लोग हेल्पर में ना आए, जो आए टेक्नीशियन में ही आए, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है ना। वेल्डिंग सुपरवाइजर भी चाहिए इसमें,
और सेफ्टी अफसर चाहिए। जी हाँ, सेफ्टी अफसर का भी रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारे भाई लोग, इसमें यह नहीं लिखा है कि क्या कोर्स चाहिए, इंडिया में निबोस उबोस का भी कोर्स किए हैं तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि गुड रिटर्नर नहीं लिखा है कहीं पे, केवल जीसीसी लाइसेंस बोला है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है और मिनिमम 3 साल का, यानी कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इंडिया का कंपलसरी है। यानी कि अगर इंडिया में 3 साल काम किए हैं, नहीं भी किए हैं, तो कहीं पे भी, मैं बार बार बताता हूँ कि अपना CV बना सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कहीं पे भी बन जाएगा 200-500 रुपया खर्चा करके बनाकर, बशर्ते काम का जानकारी होना चाहिए। और इसके लिए भी मैं बताता हूँ, अगर आपको काम का भी जानकारी नहीं है कोई फील्ड का, तो आप 1 से 2 महीना 3 महीना में कहीं पर भी ट्रेनिंग लेकर, समझ लीजिए आप मैंने कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी देश में फ्लाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूँ, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 14 मई 2024 को होगा। जी हाँ, 14 मई 2024 को होगा और इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है आप इस पे, ठीक है ना। इसमें लिख दिया है कि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 14 मई 2024, और जो ऑफिस पे इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा वो टेक्निकल सेंटर है। जी हाँ, अनूप टेक ऑफिस है R84। जो भाई लोग नई मुंबई में रहे होंगे, इस ऑफिस से इंटरव्यू दिए होंगे, ये ट्रेनिंग टेक्निकल सेंटर है, यानी कि जहाँ पे पाइप फिटर, वेल्डर, ये सब टेक्नीशियन का जॉब के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है ना, बताया जाता है, वहीं पे इसका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है ना। रवाले में ऑफिस है R84 अनुटेक ऑफिस। जी हाँ, यहीं पे इसका फाइनल इंटरव्यू चलेगा। आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये टेक्निकल सेंटर पे इंटरव्यू क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली होगा, प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे सब टूल्स रहता है, सामान रहता है, वो चीज़ आपको दिखाकर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा 14 तारीख को। तो जो भाई लोग फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू देना है, वो लोग अपना जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिएगा। इसमें लिख दी गया है, ओनली शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कैन अटेंड फाइनल इंटरव्यू, यानी कि जो भाई लोग शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे उसी का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। बिना शॉर्ट लिस्टिंग का आप डायरेक्ट 14 तारीख को पहुंचेंगे अनुटेक ऑफिस में, तो आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसके पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना जाकर ऑफिस पर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। तो जो ऑफिस से, फाइनली ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑफिस है ओस्कार ओवरसीज मैन पावर रिक्वायरमेंट सर्विस। जी हाँ, ओस्कार ओवरसीज मैन पावर रिक्वायरमेंट सर्विस, ये ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। और ये ऑफिस फ्रेंड आपसे बता दूं कि मुंबई में है। जी हाँ, मुंबई में ऑफिस है, और ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए, ये है 2204 स्क्वायर बिजनेस पार्क। जी हाँ, 2204 स्क्वायर बिजनेस पार्क, 22nd floor। जी हाँ, 22वें फ्लोर, प्लाट नंबर 25/26 वासी। जी हाँ, ये ऑफिस का एड्रेस है, और उसका ओवरसीज मैन पावर रिक्वायरमेंट ये सर्विस में इसका रिक्वायरमेंट है। तो जो भाई लोग अगर ये ऑफिस में अपना जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, और उसके बाद से 14 मई को अनुटेक ऑफिस में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, तो आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपसे बता दूं कि ये किरबी कंपनी का रिक्वायरमेंट है। ये कंपनी का अभी जो दुबई का रिक्वायरमेंट है, यानी कि UAE का, दुबई में पूछिए मत, दुबई में जाएंगे तो वर्ल्ड टावर है, बहुत अच्छा वहाँ का क्लाइमेट भी है, बड़ी सिटी है, समझ लीजिए। हर आदमी का सपना रहता है कि एक बार दुबई जाए और दुबई जाकर घूमे। मैं भी एक टाइम में गया था, मैं भी अभी सोचता हूँ कि एक बार और दुबई जाना, मतलब जाऊँ, लेकिन मान लीजिए अब जब वो होगा तो जाएंगे, लिखा रहेगा तो फिर दोबारा। बहुत अच्छी सिटी है, तो कंपनी भी बहुत अच्छी है, किरबी कंपनी। तो जो भाई लोग स्टेट से है, अपना ऑफिस पे ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बायोडाटा प्लस फोटो ले जाकर ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, गुड बाय।